इन दोनों की ताकत हमारे दिमाग का खौफ और खुद अल्ट्रॉन, ये सब माइंडस्टोन की देन है। और इनकी ताकत इस पत्थर के आगे कुछ नहीं। अगर ये विजन हमारा साथ दे तो। अगर तुम दोगे हमारा साथ? बात इतनी सीधी भी नहीं है। तो फिर जल्द से जल्द बात को सीधा कर दो। मैं जिंदगी के साथ हूं, अल्ट्रॉन नहीं। वो सब कुछ खत्म कर देगा। तो फिर वो किसका इंतजार कर रहा है? तुम्हारा। कहां? सुकोविया में। वो नताशा को वहीं ले गया है। अगर हम तुम्हें गलत समझ रहे हैं, अगर तुम वो दरिंदे हो जिसे अल्ट्रॉन ने ऐसा बनाया है, तो क्या करोगे तुम? मैं अल्ट्रॉन को मारना नहीं चाहता। वो अनोखा है और काफी तकलीफ में है, पर वो तकलीफ दुनिया को खा जाएगी, इसलिए उसे खत्म करना होगा। वो हर शख्सियत जो उसने बनाई है, इंटरनेट पर उसका हर वजूद, हमें अभी कुछ करना होगा। और एक दूसरे की मदद के बगैर हम ये नहीं कर सकते। हो सकता है मैं दरिंदा हूं, होता भी तो शायद मुझे पता ना चलता। मैं वो नहीं जो तुम हो, ना ही वो जो तुम बनना चाहते थे। शायद इसीलिए तुम्हारा भरोसा नहीं जीत सकता, पर हमें जाना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 मिनट, जो चाहिए वो ले लो। गुड इवनिंग बॉस। हम सबका इससे बचना नामुमकिन है। अगर एक भी टीन का डब्बा बच गया तो समझो हम हार गए। बहुत मुश्किल काम है। आसान काम में मजा नहीं आता। उसे मारने का पहला मौका मुझे चाहिए। वैसे भी उसे आयरन मैन का इंतजार है। सही कहा, सबसे ज्यादा नफरत वो तुम ही से करता है। अल्ट्रॉन जानता है कि हम आ रहे हैं। हमें भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ेगा और हम उसके लिए तैयार भी हैं, पर सुखोविया के लोग नहीं। इसीलिए हमारा सबसे पहला काम है उन्हें बचाना। दुश्मनों का हमला हुआ है, शहर खाली कर दो। कारण में रुई ठूस रखी है के। वो सिर्फ चैन से अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं और आज ऐसा नहीं होने वाला, पर हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम ये कर सकते हैं। हमें पता लगाना है कि अल्ट्रॉन क्या बना रहा है। हमें नताशा को ढूंढना है और पूरा शहर खाली करवाना है। लड़ाई हम तक ही सीमित रखनी है।